सिर्फ एक खाली कमरा रहता है। किसका होगा? मैंने पहले देखा है प्रिल, तुम्हारी ख्वाहिश रह जाएगी मेवी। पीछे हो जाओ, मेरे रास्ते से हटो। वाह, बहुत जगह है, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी बेस्टी। वैसे बेड बहुत ऊंचा है। अभी इस परेशानी को हल कर देंगे, हम इस ट्रैम्पोलिन का इस्तेमाल करेंगे। चलो मेवी, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कमाल हो। अब तुम्हारी बारी अप्रिल, कूदो। मैं आ रही हूँ बेस्टी। ओह, मैंने कर दिखाया। ओह, थोड़ा और। मेवी, मैं गिर रही हूँ। ओप्स, तुम ठीक हो अप्रिल? कितनी सॉफ्ट लैंडिंग थी। ब्लैंकेट हैमक बहुत आरामदायक है। मेवी, हम स्विंग बेड बनाएंगे। मैं अभी आई। अप्रिल, रुको, मेरा क्या? घबराओ मत, मैं तुम्हें उतरने में मदद करती हूँ। बस कुछ स्क्रूज लगाने होंगे और अब उतरने का रास्ता बन गया। कमाल का एडवेंचर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हमें सुपर सीरियस होना होगा मेवी। इस पूरी जगह को सफाई की जरूरत है। चलो साफ करके सारी बेकार चीजें बाहर निकालें। हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है। अप्रिल, देखो मुझे क्या मिला। क्या बात है मेवी, हमें यही चाहिए था। और मुझे रस्सी मिली। चलो पैलेट से बांधें। मैंने अपनी स्क्रू गन कहाँ रखी है? तुम्हारी बारी मेवी। अभी करती हूँ बेस्टी। झूला लगभग बन गया है, बस लटकाना बाकी है। हमने कर दिखाया मेवी, मुझे बहुत पसंद आया। हमने कर दिखाया और अब इंटीरियर डेकोरेशन करने का वक्त है। लॉन से शुरू करते हैं। देखो और सीखो अप्रिल, बस थोड़ा पानी और अब हमारे फर्श पर सॉफ्ट घास उग गई। वाह, क्या बात है। एक अच्छे से फजी ब्लैंकेट के बारे में क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया आइडिया है अप्रिल, बहुत आरामदायक है। ओह, शायद नहीं। सीलिंग को देखो। सोचने दो। चलो थोड़ा लाइट फैब्रिक लगाएं। चलो शुरू करें मेवी। हम स्टेपलर से फैब्रिक को उसकी जगह पर लगाएंगे और सीलिंग को ब्राइट गार्लैंड से डेकोरेट करेंगे। बहुत सुंदर है। अब हम कैनोपी लगाने वाले हैं। बहुत अच्छा आइडिया है मेवी, चलो करें। बिल्कुल क्वीन जैसा बेड। अब हम सोते सोते तारे देख सकते हैं। बहुत खूब, पर ये तारे थोड़े अकेले लग रहे हैं। क्यों ना मून लगाया जाए? दीवार पर भी तारे लगाए जा सकते हैं। क्या मैं इस काम में माहिर हूँ या नहीं? तुम्हारे वहाँ सब कैसा है अप्रिल? सब बढ़िया है। अब हमारे झूले पर फूल ही फूल हैं। मुझे झूले पर झूलना बहुत पसंद है। तुम इतनी धीरे क्यों झूल रही हो? मैं मदद करूँ? अप्रिल, मुझे डर लग रहा है, रुक जाओ। आह, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई मदद करो, मैं रुक नहीं पा रही। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, मेवी की सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। आह, शुक्रिया, तुम एक जेंटलमैन हो। अप्रिल, मैं ठीक हूँ। भगवान का शुक्र है। पर ये तुम्हारे साथ कौन है? नया बॉयफ्रेंड? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, किस्मत से ही सब हुआ है। ये क्या हुआ? चिंता मत करो मेरी जान, हम एक साथ अच्छे लगेंगे। हे, क्या चल रहा है? धोखेबाज, हमारा रिश्ता खत्म। वो तुम्हारी एक्स बहुत गुस्से में है, पर तुम मेरे साथ ज्यादा खुश रहोगे। कहाँ जा रहे हो? हम एक दूसरे के लिए बने हैं। खतरा आ रहा है, चोर आ गया। खुली खिड़की, मैं किस्मत वाला हूँ, मैं पैसे लेने आ रहा हूँ। लगभग पहुँच गया, बस अब ऊपर चढ़ना है। जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। वूप्स, चलो देखें यहाँ क्या क्या है। रास्ता साफ है। चोर को क्या चीज मिली? स्विंग बेड, दिलचस्प लग रहा है, पर खेलने का वक्त नहीं है। आहा, ये सही रहेगा, मालिकों को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अप्रिल, देख रही हो, वो चोरी करने की कोशिश कर रहा है। हम उसे सबक सिखाएंगे। तुम तैयार हो? उसे पकड़ो। अब निशाना लगाते हैं। जाओ दोस्त, हमें हराना मत। आह, याइक्स,
ये क्या है? हाँ, तुम कितने प्यारे हो, खेलोगे? पास आओ नन्हे बच्चे, डरो मत। बताओ तुम क्या कर सकते हो? अप्रैल, तुम तैयार हो? तीन कहने पर जाएंगे, एक दो गो। हमने कर दिखाया, चोर गिर गया। कानून कभी नहीं सोता। ऑफिसर मेगन हमेशा जुर्म की तलाश में रहती है। अरे ये कहाँ से आई? कुछ गड़बड़ लग रही है। हे, कोई है? आओ, मदद करो। तुम ठीक हो? अपराधियों की बारिश हो रही है, बहुत अजीब है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस सैर पर जा रहा था। सच में, हम जेल में जाकर बात करेंगे, मेरे साथ चलो। हाई फाइव मेरी, हम जीत गए। अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब तैयार हो जाओ, अब सफाई का वक्त है। मेरी सफाई का जिम्मा उठाने वाली है। बहुत धूल है, इस कमरे के लिए टर्बो मोड की जरूरत होगी। चलो चलाएं। आओ, मुझे छोड़ो। नहीं, कहाँ जा रहे हो? छोड़ दो। सुन क्यों नहीं रहे? ऐसा सोचना भी मत, हमारे झूले पर नहीं। सब गया, अब हमारे कस्टम बेड को भी कोई नहीं बचा सकता। अप्रैल, मदद करो। कोई चांस नहीं है, हमारी दोस्त अभी बहुत बिजी है। उसके मनपसंद चैनल पर नई वीडियो आई है। ये तुमने क्या किया मेवी? हे, मुझे मत खाओ। इस भयंकर मशीन को कोई नहीं रोक सकता, कोई उसके रास्ते में नहीं आएगा। तुम ठीक हो अप्रैल? रुको, मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ। क्यों ना इसे रिवर्स किया जाए, कोशिश करके देखते हैं। प्लीज वापस आओ अप्रैल। मेवी, तुम्हारी सफाई से मेरी जान चली जाती। अब और वैक्यूमिंग नहीं होगी, समझी? हाँ, मैं भी मानती हूँ। झूले पर डेट बहुत रोमांटिक है, पर अप्रैल यहाँ कबाब में हड्डी लग रही है। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ किस करना मना है? फोरकास्ट के हिसाब से बारिश आने वाली है। कमाल का प्रैंक था। अब लव बर्ड्स के पास किस करने का वक्त नहीं होगा। टिश्यू लो हनी, चिंता मत करो, तुम अभी भी परफेक्ट लग रही हो। हाँ, शुक्रिया डेनिस, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते हो। पर अप्रैल के प्रैंक्स अभी खत्म नहीं हुए। उसने कुछ सोचा है। मेवी को मकड़ियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। ओ, मैं भूल ही गया, मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। तुम्हारे मन पसंद पसंद आए, बहुत सुंदर है। शुक्रिया। ओ नहीं, ये बड़ी बुरी और खतरनाक स्पाइडर है। तुम मुझ तक नहीं आ सकते मॉन्स्टर, बीच से हट जाओ डेनिस। भीगी बिल्ली है, स्पाइडर्स बिल्कुल डरावने नहीं होते। अब पहले फ्लोर पर कोई मॉन्स्टर नहीं है, पर अब साफ हवा भी नहीं रही। चलो चाय पीकर ध्यान कहीं और लगाएं। अभी खत्म नहीं हुआ लव बर्ड्स, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। तैयार हो जाओ, ज्यादा स्नैक्स सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स ने शेयर करना नहीं सिखाया। डेनिस, देख रहे हो उड़ते हुए केले? ये सही नहीं है। अब सब साफ है, ये सब अप्रैल का किया है। ओ वाह, केले आ गए। अब और फिशिंग करते हैं। शांत रहो डेनिस, ना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हमारे फ्रूट वापस दो और अब से कोई चोरी मत करना। अरे गुस्सा मत करो बेस्टी, हमारे पास आओ, हमने तुम्हें बहुत याद किया। कुछ देर के लिए यहाँ लेटो, ठीक है? टॉप फ्लोर बहुत आरामदायक है, सही कहा ना डेनिस? आज की सुबह बहुत खास है, आज मेवी का जन्मदिन है। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके लिए पार्टी रखी है। शुक्रिया अप्रैल, वाह सब कुछ बहुत खूबसूरत है। अब विश मांगो। हैप्पी बर्थडे मेवी, भगवान तुम्हारे सारे सपने पूरे करे। ओह जरूर होंगे बेस्टी, चलो कैंडल्स बुझाते हैं। थोड़ा जल्दी करो मेवी, पार्टी के लिए देर हो रही है। ओह बहुत हो गया, झूला बंद करो। आखिरकार अब ठीक है, और चलो अब पार्टी करें। सारे आ जाओ, ये इतने सारे तोहफे। जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतनी शानदार पार्टी होगी। क्या मैं सेल्फी ले सकती हूँ? यहाँ देखो सब, बोलो चीज, हम कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? मार्टिन, साली और बारबरा के बीच एक आरामदायक मूवी नाइट चल रही है। वाह, एक ब्लैंकेट का घर, ये कितना कूल है। लेकिन इनका तो झगड़ा होने वाला है, इन दोस्तों को यकीन है कि वो बेहतर कर सकते हैं। चलो अपने अपने घर बनाते हैं।
साली को क्या करना है इसके लिए उसके पास पहले से ही आइडिया है। ये कार्डबोर्ड घर का बेस बन जाएगा। क्या आसान और साफ सुथरा है। चलो शुरू करें। घर को छत चाहिए होगी, जाहिर है, लेकिन दीवारों के साथ शुरुआत करना बेहतर होगा। नेल्स की कोई जरूरत नहीं। दीवारों को साथ में खड़ा करने के लिए हम एक अच्छी सी टेप का इस्तेमाल करेंगे। मार्टिन के पास एक बेहतर तरीका है। वो प्लास्टिक पाइप्स के इस्तेमाल से एक फ्रेम बनाने वाला है। दीवारों का क्या होगा? मार्टिन उन्हें कपड़े से बनाने वाला है। ये सुंदर चमकीली रंगों और तरह तरह के टेक्सचर्स वाला होगा। सब लड़कियों को जलन होगी। इन पाइप को मोड़ना आसान काम नहीं है। ये कसरत करने के लिए बिल्कुल सही है। ये पाइप बहुत मजबूत है पर ये अच्छे से मुड़ जाते हैं। बढ़िया, ये टेंट एक तूफान से भी लड़ सकता है। आपको सिर्फ पाइप को पूरा कमरे तक फैलाना है, एक दीवार से दूसरी दीवार तक, और फिर रूम्स को अलग करने के लिए उन पर कपड़े टांग दे। मार्टिन अपने काम से बहुत खुश है। बारबरा बहुत सीरियस है। उसके पास बहुत पैसे हैं, इसलिए उसने हट बनाने के लिए एक सचमुच के कंस्ट्रक्शन मैनेजर को बुलाया। वो चाहती है कि उसका घर सबसे अच्छा बने। बढ़िया, अब उसके पास मटेरियल भी है। अभी भी मैनेजर को बहुत सी बातें समझानी है, लेकिन वो प्रोजेक्ट के बारे में सोचने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा। ठीक है, चलो दूसरे रूम में मीटिंग करते हैं। आखिरकार सब चले गए। एम्प्लॉय टेंट बनाने के लिए बहुत खुश है। उसने जरूर बहुत से मिनी हाउसेस बनाए होंगे। वो बहुत जल्दी जल्दी और सफाई से काम कर रहा है। ये उम्मीद से बढ़कर है। ये एक डॉल हाउस की तरह ज्यादा लगता है। इतनी सारी ड्राइंग्स और तुमने ये बनाया। मैं सोच रही हूँ वो इस घर को कस्टमर को कैसे डिलीवर कर पाएंगे। साली कड़ी मेहनत कर रही है। कुछ और टेप रोल्स और फिर घर की दीवारें तैयार हो जाएंगी और दरवाजों को बनाना और भी आसान है। कोई ठोकने का झंझट नहीं। आपको चाहिए सिर्फ एक बॉक्स कटर। अब टेंट को मिल गया है बाहर और अंदर जाने का रास्ता। साली को इस नाइफ की जरूरत होगी। घर के बाहर का क्या? ये फेंस बिल्कुल ठीक लगेगी। ये बिल्कुल एक सचमुच के ग्रीन लॉन की तरह लग रहा है। जब बात आती है चीजों को बनाने की, साली बहुत क्रिएटिव हो जाती है। और इन खिड़कियों से धूप अंदर आएगी। मार्टिन के पास सिर्फ पाइप्स और ब्लैंकेट से बना टेंट नहीं है, वो किसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। ये बहुत से काम एक साथ करने वाला स्मार्ट हाउस है। आप खुद ही देख लो। फोन का एक बटन दबाओ और दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, और अंदर एक बार ताली बजाते ही आपकी लाइट्स जल जाएगी। ये घर बहुत आरामदायक होगा। सभी उसी वक्त अंदर आओ। यहाँ एक इमरजेंसी है। डॉल हाउस गिर गया। हाँ, हमने यही उम्मीद की थी। बारबरा बहुत गुस्से में है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें इन बिल्डर्स को अभी बाहर निकालना होगा। मैडम, हमारे पैसे। ओह, अच्छा होगा तुम यहाँ से निकल जाओ। जब बारबरा का ऐसा मूड हो तो भूल कर भी उसके करीब मत आना। अब उसे खुद से ही टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। घर बनाना इतना भी मुश्किल नहीं लगता। स्टायरोफोम बोर्ड्स को एक लाइन में खड़ा करें और फिर उन्हें स्टेपल करके दीवार बनाएं। और ध्यान रहे कि दरवाजे की खुलने की जगह भी हो। इस सुंदर कर्टेन को यहाँ लगाएं। बारबरा का मानना है कि सजावट की बारी आए तो पैसों से अच्छा कुछ भी नहीं। और सैली ने तो अपने कार्डबोर्ड हाउस से सजाना शुरू भी कर दिया। उसे दीवारों के लिए कुछ तस्वीरें चाहिए, एनिमल्स या लैंडस्केप। चलो एनिमल्स चुनते हैं। लाजवाब दिख रहा है। और किचन के बर्तन इस छोटी सी अलमारी में आ सकती है। इसमें प्यारा सा कॉफी सेट रखा जाएगा, कार्डबोर्ड से बना, जाहिर है। और मेज और कुर्सियां भी। ये किचन सैली के मेहमानों के लिए परफेक्ट जगह है। प्लेट्स और ग्लासेस, टी पार्टी के लिए सब कुछ तैयार है। मैं तो भूल ही गई, आप इस माइक्रोवेव में खाना गर्म कर सकते हैं। सैली, क्या तुम्हें यकीन है कि ये काम करेगा? ये सिर्फ एक कार्डबोर्ड है। मार्टिन भी अपनी जगह को बेहतर बना रहा है।
इस हट में रात बिताने के लिए आपको एक गद्दा तो चाहिए ही होगा। ये तो छोटा पड़ जाएगा। लेकिन बीन बैग चेयर के साथ जोड़ने पर बहुत अच्छा हो गया। आखिरकार बहुत आरामदायक। सिर्फ एक नरम कंबल की जरूरत है और फिर आप सो सकते हैं। मार्टिन का अपने आरामदायक सोफे से उठने का कोई इरादा नहीं है। अब तुम अपने फोन से रोशनी भी कम कर सकते हो। जाहिर है मार्टिन के पास एक हाई टेक ब्लैंकेट भी होगा। बारबरा के टेंट में मेहमान आने वाले हैं। उसे खाना बनाना नहीं आता तो उसने एक शेफ को बुलाया है। वो खाना पकाने में अच्छा है लेकिन उसे जल्दी करनी होगी। 2 मिनट के अंदर मेज पर सैंडविचेस लग जाने चाहिए। समझ गया। वाह, ये सैंडविच नैपकिन तो बहुत ही अलग है। ये समय है मेज लगाने का। सबसे पहले साली ने मेहमानों को बुलाया। सभी के लिए सुंदर स्लीपर्स कार्डबोर्ड से बनी हुई। और क्या, बारबरा तोहफे से खुश नहीं है। उसे महंगी चीजें ज्यादा पसंद है। सैली क्या कहेगी जब उसके मेहमान उसे उनका फोन चार्ज करने को कहेंगे? वो बस एक स्विच ड्रॉ कर देगी। बस कुछ ही सेकंड्स और फोन चार्ज होना शुरू भी हो गया। ये चमत्कार है। सैली के पास एक ऐसा कार्डबोर्ड से बना माइक्रोवेव भी है। आप मेहमानों के लिए पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है अगर आप कार्डबोर्ड की शक्ति में यकीन करते हैं। और जब सभी का स्नैक हो गया हो तो आप लिविंग रूम में जाकर एक और मूवी नाइट कर सकते हैं। सैली के पास बहुत बड़ा टीवी है। उसकी पिक्चर क्वालिटी भी लाजवाब होगी। लेकिन उस रिमोट को क्या हुआ? दुख की बात है, आज हम कार्डबोर्ड मूवी नहीं देख सकते। चलो एक असली टीवी ही इस्तेमाल कर ले। ये इतना भी बुरा नहीं है। हम वो वाली वीडियो पूरी कर सकते हैं जिससे हमें अपने खुद के घर बनाने का आइडिया आया था। मेहमान खुश हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरे हट देखने का समय पहले ही हो गया। मार्टिन कभी भी सचमुच के इन्विटेशंस नहीं भेजता। वो नए तरीके चुनता है। अपने दोस्तों को फोन करके बुलाना ज्यादा आसान है। आओ और मेरी स्मार्ट घर को देखो। साली और बारबरा को पसंद आया। ये कितना मुलायम, हल्का और चमकदार है। ये समय है एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का। मार्टिन अपने फोन के इस्तेमाल से प्रोजेक्टर को घुमाता है। लड़कियों को ये बहुत पसंद आया। ये टेंट बनाने का एक क्रिएटिव तरीका है, इसमें कोई शक नहीं। क्या वो इस घर में ड्रिंक्स भी सर्व करेंगे? हाँ, वो बिल्कुल करेंगे। फिर से सिर्फ एक बटन दबाया और सोडा मशीन आपके लिए हाजिर है। फैंटास्क, स्प्राइट, कोका कोला, यहाँ सभी के लिए ड्रिंक्स है। कितनी आरामदायक जगह है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कमाल है। और बारबरा ने किस तरह का हट बनाया है? जाहिर है उसमें एक रेड कार्पेट तो होगा ही, और ये पैसों वाला पर्दा तो ऐसे है जैसे कह रहा हो कि इसे फाड़ो। बारबरा ऐसी ही है। सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए और मेज पर रिफ्रेशमेंट इंतजार कर रही है। और पर्सनल शेफ ट्रीट्स लाएगा। यहाँ कोई आम सैंडविचेस नहीं है लेकिन एक 5-स्टार रेस्टोरेंट की कलिनरी मास्टरपीस है। टीवी देखना कैसा रहेगा? यहाँ एक गड़बड़ हुई है। तो यहाँ है सैली का कार्डबोर्ड टीवी। वो अपने साथ रिमोट भी लाई है। लेकिन आज तो कार्डबोर्ड टीवी कुछ भी नहीं दिखाने वाला। मार्टिन को कोई परवाह नहीं है। वो ऐसे ही अपने स्वादिष्ट सैंडविचेस एंजॉय कर सकता है। साली को अपने कार्डबोर्ड बॉक्स पर अभी बहुत काम करना होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी बारिश होने लगी सारे इक्विपमेंट टूट गए। दीवार भी इस खराब मौसम को नहीं झेल पाए। मुझे खुद को बचाना होगा, ये घर गिरने वाला है। मार्टिन का भी कुछ बेहतर नहीं है। कपड़ा पानी से गीला हो गया और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी ने कुछ मदद नहीं की। मुझे ये घर छोड़ना होगा। एक बारबरा का ही घर है जो सही सलामत है। और क्यों नहीं, उसने आर्ट बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल किया है। वो सैली को बचाएगी। और मार्टिन जो कि बारिश से भीग गया है,
बुरा मत मानो दोस्तों, जब आपके सच्चे दोस्त यहाँ हो तो आपको कोई मौसम नहीं डरा सकता।